Thank you, sir. देवियों सज्जनों, दोनों महानुभाव हमारे सामने बैठे हैं, पंकज त्रिपाठी हैं और प्रतीक गांधी जी। अपने हर रोल के साथ इन दोनों ने अभिनय की दुनिया के बड़े बड़े बेंचमार्क सेट किए हुए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर स्वागत में इनके लिए तालियां बजाएं। प्रतीक जी, आपने जो स्कैम में अभिनय किया था, क्या कहें सर उसके बारे में, बहुत ही अद्भुत रहा। और ये रोल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, कैसे किया आपने? सर मतलब मैं कुछ भी बोलूं उससे पहले आपके मुंह से मेरा नाम सुन के जन धन्य हो गया, सो थैंक यू वेरी मच। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, ऐसे उसको भूल जाइए। पर इस रोल के लिए मुझे तैयारियों में तो सबसे बड़ा ये था कि मुझे बहुत वजन बढ़ाना था। हाँ। तो सबसे पहले तो 18 किलो वजन बढ़ाने बोला गया। 18 किलो वजन। और फिर फाइनेंशियल वर्ल्ड पूरा जो समझना था, मैं इंजीनियर हूँ, शिक्षक फैमिली से आता हूँ, तो हमारा वो फाइनेंशियल वर्ल्ड से कभी लेना देना रहा नहीं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम तो FD वाली फैमिली है जिन्होंने ना कभी कोई बिजनेस किया, ना कभी जाके कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया, तो ये दुनिया को समझने में भी उतना समय गया। बड़ा मुश्किल काम होता है। पंकज जी, आपके बारे में क्या कहें, प्रत्येक फिल्म, प्रत्येक रोल जो आप करते हैं, अद्भुत होता है वो हमेशा। और जितनी भी प्रशंसा करें आपकी, वो कम पड़ेगी, चाहे वो मिर्जापुर हो और लूडो, लूडो में भी आपने, उसमें तो हमारे सुपुत्र थे अभिषेक थे। कैसे कर लेते हैं सर आप ये, हमको हम बताइए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप लोगों को देख कर। सर शुक्रिया, मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, ये भी दंत कथा जैसे लग रहा है। कई साल, 20-25 साल से सोच रहे थे यही करना है, इसी पेशे से अगर रोज जिंदगी चल जाए तो बेहतर हो। तो कुछ नहीं है, क्राफ्ट का मेहनत है, बहुत गुरुओं का योगदान है, बहुत किताबों का योगदान है, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, देखते हैं, सीखते हैं, देख देख के सीखते हैं। जी जी, तो वैसे ही कर लेता हूँ। और जैसे पेमेंट की बात तय होती है तो उत्साह और बढ़ जाता है। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इस मुकुल ट्रस्ट को, जो कि बारडोली, मुकुल ट्रस्ट जी, जो कि बारडोली है, सरदार पटेल की जो जगह है। जी जी जी। तो वहाँ स्वराज आश्रम है और वहाँ पर सरदार कन्या विद्यालय चलाते हैं ये लोग। अच्छा। जहाँ साउथ गुजरात के जितने भी ट्राइबल जोन हैं, वहाँ से लड़कियों को लाके उनको पढ़ाना, उनको लाइफ स्किल सिखाना और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का काम करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने। और बंदर जी, आप? मेरा मेरे माँ बाबूजी के नाम पे एक ट्रस्ट है, पंडित बनारस तिवारी हेमवंती देवी, जो मेरे भाई चलाते हैं जी गांव में। वो भी वहाँ की लड़कियों के लिए, उनका स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा के लिए और पर्यावरण को लेकर काम करते हैं, तो मैं उन्हीं के लिए खेलूँगा। प्रतीक, कोई एक दृश्य हो स्कैम का, जिसे हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए और जितने भी देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम, एक बार एनेक्ट करके दिखाएं आप हमें। ठीक है सर, मैं जो कि इसका सबसे फेमस डायलॉग रहा है, जी जी, वही दृश्य एनेक्ट करता हूँ। हाँ जी। पर मैं चाहूँगा सर कि आप उसमें बीच में एक लाइन जो मेरे बड़े भैया ने उसमें बोली थी, हाँ, तो वो लाइन आप मुझे। मुझे कुछ बोलना पड़ेगा? जी सर। तो हमारा इम्तिहान हो गया भाई साहब, प्लीज सर। तो मैं लाइन आपको दे देता हूँ। हाँ जी, तो मुझे देंगे आप? जी जी, मैं दे देता हूँ सर आपको आके लाइन। आपको कहना है कि ये सब डायलॉग बजी तो ठीक है, पर इस सब में बहुत रिस्क है। अच्छा, पहली लाइन मैं लेता हूँ जी, फिर आप ये लाइन लीजिए, ठीक है, फिर मैं, ओके, पंच लाइन मैं लेता हूँ सर, ठीक है सर। लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा को गुजराती के लाइफ से कोई नहीं निकाल सकता। अच्छा सुनिए, ये जितना भी डायलॉग बाजी है सब डायलॉग बाजी है, इसमें बहुत रिस्क होगा, आपको मालूम है? रिस्क है तो इसके। रिस्क है तो इसके। आहा,
मैं कुछ प्रश्न लेके आया था जो आपसे पूछना चाह रहा था, अगर आपकी अनुमति हो तो। प्रश्न पूछने की जो प्रथा है वो इस खेल में हमारी है, इसीलिए मैं जानकारी लेना चाहते हैं। प्रश्न नहीं, आप उसको बोलो मैं कुछ जानकारी लेना चाहता हूं। अच्छा चलिए। ये सर आप पॉलिटिकली बड़े करेक्ट रहते हैं। अरे नहीं, बचा लिया इन्होंने जी। मुझे पता है कि हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिमाग में भी ऐसे प्रश्न होते हैं। ये जानना चाहते हैं, हमारा जो आपसे जानना चाहते होंगे पर शायद आप तक पहुंच नहीं पाए, इसलिए पूछूं सर। हाँ जी सर। नई गाड़ी आपने तो बहुत सारी गाड़ियां खरीदी, एक के बाद एक के बाद एक। नई गाड़ी जब खरीदी तब कभी ऐसा सोचा कि प्लास्टिक का कवर नहीं निकालते हैं, थोड़ा लंबे टाइम तक गाड़ी नहीं रहेगी? सर कौन भेजा है ये आपको सब प्रश्नावली? सर अनुभव से निकाले हैं ये सारे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है और बहुत कुछ। नहीं सर, ये बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है, जीवन का सत्य है ये। अभी तो हम उतार देते हैं, लेकिन हमने देखा है बहुत से लोग उसको चढ़ाए रहते हैं और हमको बड़ा इतराज होता है उसका। यार यार हो गया, खत्म हो गया, निकालो इसको, वो लोग लगाए रहते हैं उसको। अच्छा सर, कभी रिमोट कंट्रोल टीवी का वो अगर ना चले तो आपने ऐसा ठोक बजा के चलाया हो ऐसा? किया है हमने। हमने तो सर बचपन में टीवी भी ऐसा देखा है, जब हिल जाता था तो ठोक बजा के देखते थे क्या आएगा। ये बिल्कुल सही बात आपने कही है, आज भी हम उसको नहीं चलता दो तीन बार ऐसे मार दो चल ये नहीं सोचते कि शायद बैटरी खलास हो गई। कई बार चल जाता है, कई बार चल पड़ता है मारो तो। हाँ चलो। सर कभी खाना वाना खा के मतलब आपने ऐसे ही नैपकिन ना मिले तो पैंट से ऐसे ही जैसे हम लोग साफ कर लेते हैं, किया ही होगा सर कहीं ना कहीं तो? नहीं सर, तो ऐसा होगा कि खाएंगे वहाँ नैपकिन होगा ही होगा, ऐसा अभी आम आदमी नहीं है ना बाबा कि खा लिया प्लेट नहीं है। अब बच्चन साहब है, जब ना जाने क्या क्या आपने हमको ऊपर ठोक दिया है, ऐसा है नहीं। एक जमाना था जब हमने थोड़ी सी दाढ़ी वाड़ी बढ़ाई थी तो खाना वाना खा के यहीं पहुंच लेते थे। जी लास्ट सवाल। शैम्पू खत्म हो जाने पर पानी डाल के हिला हिला के शैम्पू निकाल के इस्तेमाल किया हो? तो सर हमारा वैनिटी वैन यहाँ खड़ा है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, पता नहीं कौन उसका मालिक है। उस साबुन की जो है बोतल वो खत्म हो गई है, हम बोल रहे हैं उसको यार बदलो, कहने साहब पूरा भरा हुआ है, वो जार उसमें पानी डालता रहता है। कि साबुन जीवित रहे, हे भगवान। ये सारी जो जानकारी है हमें बहुत बहुत काम आएगी सर। ये मेरे प्रिय किताबों में से एक है, राग दरबारी। जी जी जी। और इसका हम लोग नाटक भी किए थे भारत रंग महोत्सव में 99 में। अच्छा, बहुत अद्भुत किताब है सर ये तो। जी जी जी। बहुत ही प्रचलित पुस्तक है, बहुत प्रचलित है, बहुत। इसके कुछ लेख अगर आपको याद हो या कुछ छोटा सा अंश याद हो तो हमें सुनाइए हमारे अपने दर्शकों के लिए। एक प्रेम पत्र है उसमें बीच में, बड़ी खूबसूरत प्रेम पत्र है, कुछ नहीं है, जिस जो किरदार लिखता है तो वो प्रेम पत्र सिर्फ हिंदी गानों के मुखड़े हैं। अच्छा। हाँ, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, आओ ना गले लगाओ ना, फिर कुछ और गाने का, देखा है पहली बार तो सिर्फ। अच्छा वैसे है। कुछ याद है आपको? मुझे बिल्कुल याद नहीं है सर, मालूम होता तो मैं याद पढ़ के आता। वो कमाल का है, हम लोग जब प्ले कर रहे थे तो उस पार्ट को, उस चिट्ठी को हमने म्यूजिकल चिट्ठी बना दी थी। अच्छा ठीक। कि 10 कोरस आते हैं और वो लड़की बैठी है और लड़का उस स्टेज के कोने पे और वो चिट्ठी के सारे गाने गाते हैं। वाह, बड़ी अद्भुत चिट्ठी थी वो, और अब कमाल का उपन्यास है राग दरबारी। अपने निजी जीवन में कभी आपने कुछ इस तरह का प्रेम पत्र लिखा हो? पत्नी जी थोड़ा सा शर्मा रही है। एक बहुत सांकेतिक प्रेम पत्र लिखा था। अच्छा, आप पूछेंगे अब सांकेतिक क्या है? जी जी, कि जिसको समझना है वो समझ ले, बाकी ना समझे। क्योंकि वो पोस्ट कार्ड भेजा था, तो पोस्ट कार्ड पे आमतौर पे वो तो कवर तो होता नहीं है, खुली चिट्ठी है, और जान के भेजा था कि ये पता ना चले कि खुली चिट्ठी प्रेम में थोड़ी कोई भेजेगा। ओके, सही कहा आपने। सब ऊपर नॉर्मल था कि आप लोग घर परिवार के बारे में, उन बड़ों को प्रणाम, इनको वो अच्छे होंगे, मैं अच्छा हूँ, मैं कुशलतापूर्वक हूँ। लास्ट में था सिर्फ बड़ों को प्रणाम और छोटे को प्यार। वाह,
क्या बात है, सिर्फ छोटे को प्यार लिखना था पूरी चिट्ठी में। वो समझ गए होंगे, मुझे पता है छोटी पढ़ेगी तो समझ जाएगी। चिट्ठी का मकसद सिर्फ छोटी को प्यार है और कुछ नहीं है। तो पत्नी जी से कैसे मुलाकात हुई? कई वर्जन है उसके। अच्छा, अच्छा? कितने पोस्ट कार्ड लिखे? नहीं, मैं असल में किसागो हूँ, मैंने किसागो स्टोरी टेलर हूँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। और मैं कई बार एक सच्ची कहानी को मुंबई आने के पहले दिल्ली में, कॉलेज में, एनएसडी में अपने सीनियर्स के बीच सुनाया हूँ, तो मैं भूल जाता हूँ कि किसको कौन सा वर्जन सुनाया। और कहानी सुनाते हुए मैं पहले ऑडियंस को भांपता हूँ कि अगर पहलवान टाइप के लोग बैठे हैं तो मैं उस कहानी में पहलवानी ला दूंगा। और अगर मुझे लगेगा कि बहुत इंटेलिजेंट हिस्ट्री में और फैक्ट में यकीन करने वाले लोग हैं तो उस कहानी में बार बार मैं हिस्ट्री और फैक्ट को ला दूंगा। अच्छा, और ये कमाल मैंने सीखा है अपनी सासू जी से, जो मेरी पत्नी की माँ है। अच्छा। वो सर ब्रिलियंट स्टोरी टेलर हैं। अच्छा, वो कहानी शुरू करेंगे प्रेम कहानी पांच लोगों के बीच, और उनको लगेगा कि दो आदमी बोर हो रहे हैं ना, तो प्रेम कहानी के बीच से एक हॉरर स्टोरी निकाल देंगे। तो मैं वो इसलिए पूछा कि कौन सा वर्जन, मैंने अपने प्रेम के बारे में 10 जगहों पे 10 वर्जन सुनाए हैं। ओरिजिनल वाला वर्जन बचा के रखा हूँ किताब के लिए, पैसे मिलेंगे उसके।